अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिस फ़ायज़ा। आज हम 9th क्लास का यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि है पेट्रियाटिज़म। पेट्रियाटिज़म का मतलब है हुब्बुल वतनी। हुब्बुल वतनी मतलब वतन से प्यार, वतन से मोहब्बत, वतन के लिए जान कुर्बान करने का हौसला रखना, वतन से मोहब्बत करते हुए वतन के लिए दिन रात मेहनत करना, जैसे कायदे आज़म ने हमारे लिए की, मुल्क के लिए की। तो आज के इस यूनिट नंबर 2 में भी हम कायदे आज़म की पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ और हुब्बुल वतनी का हकीकी मतलब जानेंगे। सबसे पहले हम लोग इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। पेट्रियाटिज्म मींस, हुब्बुल वतनी का मतलब है लव, मोहब्बत फॉर द मदरलैंड, मुल्क के लिए, और डिवोशन या वक्फ कर देना टू वंस कंट्री, वतन के लिए खुद को। हुब्बुल वतनी का मतलब है वतन के लिए खुद को कुर्बान कर देना या वतन से मोहब्बत रखना। अ पेट्रियट लव्स हिज कंट्री, एक हुब्बुल वतन मुल्क से मोहब्बत करता है, एंड इज विलिंग, और हमेशा तैयार रहता है टू सेक्रीफाइस, कुर्बानी देने के लिए, व्हेन द नीड अराइजेज, जब इसकी ज़रूरत होती है। एक हुब्बुल वतन अपने वतन से मोहब्बत करता है और इसके लिए जब ज़रूरत हो कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। द वर्ड पेट्रियट, हुब्बुल वतन का लफ्ज, कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लातीनी ज़ुबान से निकला हुआ है, पेट्रियोटा विच मीन्स कंट्री मैन, जिसका मतलब है मुल्क का आदमी। इट इज कंसिडर्ड अ कमेंटेबल क्वालिटी, इसे एक काबिले तारीफ खसूसियत मानी जाती है। कमेंटेबल काबिले तारीफ, कंसिडर्ड मानी जाती है। पेट्रियटिज्म हुब्बुल वतनी गिव्स पीपल, लोगों को देती है द स्ट्रेंथ, ताकत एंड करेज, और हिम्मत टू सेफ गार्ड, बचाने के लिए द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, मुल्क के मफाद को, एंड नेशन और कौम के। हुब्बुल वतन, हुब्बुल वतनी मुल्क और कौम के मफाद को बचाने के लिए लोगों को ताकत और हिम्मत अता करती है। फॉर अ पेट्रियट, एक हुब्बुल वतन के लिए द सुवर्निटी, इक्तदार आला, इंटेग्रिटी, इज्जत एंड ऑनर, और वकार ऑफ द कंट्री, एक मुल्क के लिए, आर सुप्रीम वैल्यूज, आला इकदार हैं, ऑन विच, जिस पर, नो कम्प्रोमाइज, कोई समझौता नहीं है, कैन बी मेड, किया जा सकता। एक हुब्बुल वतन के लिए मुल्क के इकदार आला, इज्जत और वकार आला तरीन इकदार हैं, जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पेट्रियट्स रेंडर, रेंडर मीन पेश करते हैं, सेक्रीफाइस कुर्बानी, फॉर द प्रिजर्वेशन, हिफाजत के लिए, एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज वैल्यूज, और इन अकदार की तहफ्फुज के लिए। हुब्बुल वतन इन अकदार की हिफाजत और तहफ्फुज के लिए कुर्बानी पेश करते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना वॉज अ नेशन बिल्डर, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना मुल्क को बनाने वाले थे, एंड अ ग्रेट पेट्रियट, और एक अजीम हुब्बुल वतन। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना कौम को बनाने वाले और अजीम हुब्बुल वतन थे। ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज, वो बचाना चाहते थे द वैल्यूज, इकदार को, कल्चर, सकाफत को, एंड ट्रेडिशंस, और रिवायात को, ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर के मुसलमानों की, वो बरसगीर के मुसलमानों की इकदार, सकाफत और रिवायात को बचाना चाहते थे। ही गेव द मुस्लिम्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, उन्होंने मुसलमानों को एहसास दिलाया शनाख्त का, बाय सिक्योरिंग, हासिल करते हुए, अ सेपरेट होमलैंड, एक अलग वतन, फॉर देम, उनके लिए, वतन हासिल करने के लिए उन्हें शनाख्त का एहसास दिलाया। ही सेड, उन्होंने कहा, वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म, वी मस्ट डेवलप, हमें
बढ़ाना चाहिए. अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी का एहसास, विच गैल्वनाइजेस, जो हमें उकसाता है, हमें उभारता है, बढ़ाता है. ऑल इन टू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, एक मुत्तहिद और एक मजबूत कौम की शक्ल में. उन्होंने फरमाया हमें हुब्बुल वतनी के एहसास को बढ़ाना चाहिए, जो कि हमें मुत्तहिद और मजबूत कौम बनने के लिए उकसाता है. द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी का एहसास, मेक्स अस स्टे अलर्ट, हमें खबरदार रखता है. इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, गैर मुल्की हमले से. हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें गैर मुल्की हमले के नतीजे में चुकन्ना रखता है. इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में, देर आर मैनी इंस्टेंसेस, बहुत सारी मिसालें हैं. वेन पीपल लेड देयर लाइव्स, जब लोगों ने अपनी जिंदगियां दे दी, लेड दे देना, कुर्बान कर देना, फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, मुल्क की हिफाजत के लिए. पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलती हैं जब मुल्क की हिफाजत के लिए लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी. इन द वॉर्स ऑफ 1965, 1971 एंड द कारगिल वॉर, मैनी ब्रेव सोल्जर्स गेव देयर लाइव्स इन एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द होमलैंड. 1965-1971 की जंगों में और कारगिल की जंग में वतन की हिफाजत की कोशिश में बहुत सारे बहादुर सिपाहियों ने अपनी जान कुर्बान कर दी. कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शब्बीर शरीफ, सोवर मोहम्मद हुसैन, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवलदार लालक जान, ऑल इम्प्रेस्ड मैटरडम, इन सब ने जामे शहादत नोश किया वाइल जबके फाइटिंग ब्रेवली, बहादुरी से लड़ते हुए फॉर देयर मदरलैंड, अपने मुल्क के लिए. कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शब्बीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान और हवलदार लालक जान, अपने वतन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया. ऑल ऑफ देम, इन सब को वर अवार्डेड, नवाजा गया निशाने हैदर, निशाने हैदर से. द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, आला तरीन फौजी तमगा, गिवन, दिया गया टू ग्रेट पेट्रियोट्स, अजीम हुब्बुल वतनों को, हु ले डाउन देयर लाइव्स, जिन्होंने अपनी जिंदगियां दे दी फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए. आला तरीन फौजी तमगा, इन अजीम हुब्बुल वतनों को नवाजा गया जिन्होंने अपने मुल्क के लिए अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी. पेट्रियोटिज्म देयरफॉर इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, हुब्बुल वतनी इसलिए सिर्फ एक एहसास ही नहीं, इट इज अ लाइफ स्पिरिट, ये एक जिंदा जज्बा है दैट कॉन्टिन्यूसली, जो कि मुसलसल इंस्पायर्स, हमें उकसाता रहता है एंड गाइड्स, और रहनुमाई करता है अ नेशन, एक कौम की. इसलिए हुब्बुल वतनी सिर्फ एक एहसास ही नहीं, ये एक जीता जागता जज्बा है जो कि मुसलसल हमें जोश पैदा करता है और कौम की रहनुमाई करता है. इन द वर्ड्स ऑफ एस डब्ल्यू स्कॉट, एस डब्ल्यू के अल्फाज में, अ मैन डिवॉइड ऑफ पेट्रियोटिक स्पिरिट, डिवॉइड महरूम होना, पेट्रियोटिक स्पिरिट हुब्बुल वतनी के जज्बे से, इज लाइक द वन, वो इसी तरह से है, हु जैसा के, ब्रीथ्स देयर द मैन विद सोल सो डेड, हु नेवर टू हिमसेल्फ हैथ सेड, दिस इज माई ऑन माई नेटिव लैंड, नेटिव लैंड मुकामी जमीन. आदमी सांस तो लेता है लेकिन इसकी रूह इस कदर मुर्दा हो चुकी है कि उसने खुद से,
कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा अपना वतन है, ये मेरी सरजमीन है। अब हम करेंगे इसके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग्स, जो कि आपको पेपर में भी हेल्प आउट करेंगे, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव का पेपर आता है, उसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है सिनोनिम्स के लिए, और इसके साथ साथ ट्रांसलेशन में भी आपको ये मीनिंग्स और वर्ड्स जो हैं ये हेल्प आउट करेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास डिवोशन। वक्फ कर देना। दूसरा लफ्ज है हमारे पास कमेंडेबल, काबिले तारीफ। प्रोटेक्शन, तहफ्फुज़। नेटिव लैंड, मुकामी जुबान। नेटिव लैंड, मुकामी जमीन, सुप्रीम, आला, वैल्यू, कदर। अब हम इन अल्फाज के इंग्लिश से इंग्लिश में मीनिंग्स को देखेंगे, जो कि आपकी मदद करेंगे आपको जो एग्जाम्स में सिनोनिम का क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने में। डिवोशन, लॉयल्टी, कमेंडेबल, एडमायरेबल, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, नेटिव लैंड, मदर लैंड। सुप्रीम, टॉप। वैल्यू, वर्थ।